MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 News के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्तान टेस्ट, इंग्लैंड ने एक ना चलने दी पाकिस्तान को इनिंग्स और 47 रन से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग्स हारने वाली पहली टीम बन गई, जबकि शान मसूद मुसलसल नाकाम कप्तान साबित हुए। उन्होंने मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म के दुक्की में कारखानों पर हमले की मजम्मत, बाकी की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये बेगुनाह मजदूरों का लहू रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन नजर सानी केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि PTI की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरवा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। मुमकिन आईनी तरमीम का मुसविदा आम करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाईकोर्ट में काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज हुआ और पिशावर हाईकोर्ट ने नोटिस कर दिए। अगर मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स में मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इकट्ठे जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान के बाद अचानक से मंदी। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाकई हुई, जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 85,020 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजरे खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा, पोस्टल कोड L4W4K2, कॉन्टैक्ट 9056256673। Sheikh and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Kisi aur ki dulhan na ban jana Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House Oakville. Hey Cinderella, Cinderella, mera intezaar karna. It's available on Eventbrite, powered by Big Bickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshek Shiraz Hussain. This bulletin is brought to you by Al Johra Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johra Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كنت تمام حتى اللبن عندكم شيء والله عزيز. This news bulletin is brought to you by Lahari Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richmond Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि साबका वफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन की जानिब से इस्लामी तआवुन तंजीम OIC में असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्राय साइंस एंड टेक्नोलॉजी
आफ्ताब अहमद खोखर के एजाज में एक पुरतकल्लुफ इशाया का अहतमाम किया गया। इशाया में पाकिस्तान कौंसलेट के अफसरान, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम अराकीन, सहाफ़ी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इशाया का मकसद न सिर्फ आफ्ताब अहमद खोखर की OIC में तायुनाती के एजाज में उनकी खदमात का एतराफ़ करना था, बल्कि पाकिस्तान और इस्लामी तावन तंजीम के माबैन बाहमी तालुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तजावीज़ और ख्याल को तबादला भी किया गया। शुरका ने आफ्ताब अहमद खोखर की शख्सियत और उनकी खदमात को सराहा, उनके किरदार को पाकिस्तान के लिए अहम असासा करार दिया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुमताज़ अराकीन और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की, जिन्होंने आफ्ताब अहमद खोखर की OIC में किरदार को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बायस फ़ख्र करार दिया। याद रहे आफ्ताब अहमद खोखर पहले जद्दा के कौंसल जनरल की खदमात भी दे चुके हैं। कम उम्र बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए पाकपतन में 30 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन कर रही हैं। DC पाकपतन ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नासिर शहीन, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, MM5 न्यूज। कम उम्र बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह भर में बिग कैचअप मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पाकपतन के जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं वो 14,000 के करीब हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम सबको कवर करेंगे और 12 हिफाजती टीके जो हैं वो हर बच्चे का हक है ताकि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। वो जीरो रहने की बजाय अपनी जिंदगी जो है वो एक हीरो की तरह गुजारे, जो कि आज का हमारा एक स्लोगन भी है, जीरो से हीरो। तो इसको आपने, मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ को अपडेट करें। खुदारा अपने बच्चों की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर बच्चों को लाजमी आप ये हिफाजती इंजेक्शन जो हैं ये कंप्लीट करवाएं, कोर्स मुकम्मल करवाएं ताकि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। हर जगह हर यूनियन काउंसिल में हमारे काउंटर मौजूद है, हर बेसिक हेल्थ यूनिट पे भी हमारा काउंटर मौजूद है, DHQ, THQ, RAC, बेसिक हर यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारी टीमें जाएंगे इंशाल्लाह। मुहिम के दौरान महकमा सेहत की 77 टीमें तश्कील दी गई हैं जो यूनियन काउंसिल की सतह पर घर घर बच्चों की वैक्सीनेशन करेंगी। अहमदपुर सयाल गहलपुर में पाकिस्तानी ब्रांड सोना चाय की ओपनिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदे MM5 न्यूज इरफान हरपल से। जी इरफान जी, बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के नवाई इलाका अड्डा गियलपुर में। आज यहाँ पे सोनो टी के ओपनिंग के हवाले से यहाँ पे एक सेमिनार का इनकाद किया गया। मेरे साथ सोनो टी के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जमशेद सियाल साहब, तो उनसे सवाल से जानते हैं कि आज के सेमिनार के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी भाईजान, आज बहुत ही खूबसूरत सेमिनार का इनकाद किया है, आपकी जो सोनो टी है उसकी ओपनिंग थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि उसने हमें जायकों से नवाजा और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मुझे सोच बख्शी कि मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्लेंड बनाया आवाम की कम्युनिटी के हक में बनाया, इनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए बनाया। अच्छा, आपकी उम्र के नौजवान मुख्तलिफ और खेलों में पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैसे ये सोच आई कि आप ऐसा ब्रांड बनाएँ और पाकिस्तान में ये ब्रांड बनाएँ। देखिए, हमारे दादा दूर से लेकर अभी तक मेरे वालिद मोहतरम और फिर उनके बाद हम, तो हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो ताजिर है, तो सबकी, हमारा जो घर में बच्चा पैदा होता है वो इसी माहौल में, वो बचपन से ही देखता आता है कि हमने यार बिज़नेस करना है। तो हम लोग, जो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे सोनो टी के हवाले से। देखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह डिटेलन मैंने वो वजाहत की है, हमारा जो ब्लेंड था सोना टी उसके अंदर नो किसी किस्म की कोई एडिक्शन नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई ब्लेंड है, ना ही उसके अंदर कोई कलर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल मुनफरिद साबित होगा, आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें सोना टी। हाँ जी, गुफ्तगू सुनी आपने सोनो टी के जो ऑनर है जमशेद सियाल साहब की, उनका यही कहना है कि आज सोनो टी के ओपनिंग के हवाले से यहाँ पे सेमिनार का इनकाद किया गया और ये जो सोनो टी अब आपको पूरे अहमदपुर सियाल में दस्तियाब होगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल।
डिन्यू भॉम ने मुस्फा अबूजहबी में घर के अंदरूनी और बैरूनी हलका सबसे बड़ा शोरूम कायम किया। डिन्यू भॉम से अपने स्टोर को 1,20,000 मुरबा फुट शोरूम तक फैला दिया। ये अबूधहबी में अब तक का सबसे बड़ा शोरूम है जो तमाम फर्नीचर, स्टेशनरी वेयर, टाइल्स, घर की सजावट और फर्निशिंग के साथ साथ मुशावरत, हस्ब जरूरत डिजाइन और डिलीवरी के लिए वन स्टॉप हेल्प पेश करता है। वो सार्फिन जो अपार्टमेंट्स के मालिक हैं मुकम्मल तौर पर नए डिजाइन कंसल्टेंसी के साथ अपने घर के अंदरूनी हिस्से का मुकम्मल दोबारा डिजाइन भी हासिल कर सकते हैं और उन्हें डिन्यू भॉम प्रोफेशनल टीम के साथ लागू करवा सकते हैं। आप ग्रेड शुदा स्टोर की नकाब कुशाई मेहमान खसूसी एच ई हमीद अल या माही की मौजूदगी में हुई। अल एन प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर जिन्होंने यूएई में घर की बेहतरी के सबसे बड़े ब्रांड ने डिन्यू भॉम की मुसलसल तरक्की की तारीफ की। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।